बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम अलैकुम। खुश रहें, आबाद रहें, अपने अपने घरों में अल्लाह की पनाह में रहें। आज हम बनाएंगे बेकरी सैंडविच। बेकरी सैंडविच के लिए हमें सैंडविच ब्रेड चाहिए। आज मेरे पास वो नहीं थी, आज ये लॉन्ग वाली ब्रेड थी, इसलिए मैंने इसके कॉर्नर काट के मैंने चकोर स्लाइस बना लिए हैं। इसलिए सैंडविच बनाने के लिए हमें चकोर स्लाइस की ज़रूरत होगी। और ये जो एक्स्ट्रा ब्रेड है जिनके जो हमने किनारे काटे हैं, उनको भी हम ज़ाया नहीं करेंगे, उनको भी आप रखें थोड़ी देर बाद। इसके बाद मैं आपको इसकी बहुत मज़े की रेसिपी भी दूंगी। अब यही वही फिलिंग है जो चिकन आपको बेकरी वाला चिकन मैंने बताया था, पैटिस वाला, ये वही फिलिंग के साथ हम ये सैंडविच बनाएंगे। भर के खूब फिलिंग लगाएं। जिन लोगों ने ये फिलिंग की रेसिपी नहीं देखी, वो पिछली वीडियो में जाकर चिकन फिलिंग की रेसिपी देख सकते हैं। और भर के एक स्लाइस के ऊपर लगाने के बाद दूसरा स्लाइस इसके ऊपर रख के हल्के हाथ से दबा दें। ये हमारा एक सैंडविच तैयार हो जाएगा। फिर इसको आगे से हमने क्या करना है वो आपको अभी मैं आगे स्टेप में बताऊंगी। जितने आपने सैंडविच बनाने हैं, इसी तरह ब्रेड में चिकन फिलिंग लगा के आप इसको रखते जाएं। और इनको रखने के बाद फिर जो है अगला स्टेप ये होगा कि हम इसके लिए एक पेस्ट तैयार करेंगे। पेस्ट तैयार करने से पहले हमने जितने सैंडविच तैयार किए हैं उनकी फिलिंग अगर बाहर है तो आप चम्मच की मदद से या स्पैचुला की मदद से अच्छी तरह एक जैसी इवन कर दें, ताकि इसके किनारे ऊंचे नीचे ना हो, बिल्कुल स्मूथ चकोर किनारे होने चाहिए। बिल्कुल ये तैयार करने के बाद हम पेस्ट तैयार करेंगे। उसके लिए हम लेंगे 3 टेबलस्पून मैदा। 3 टेबलस्पून मैदे में हम डालेंगे नमक 1/2 टीस्पून और फिर डालेंगे ब्लैक पेपर 1/2 टीस्पून। इन तीनों चीज़ों को मिक्स करने के लिए हम नॉर्मल पानी यूज़ करेंगे, ना ठंडा ना गर्म टैप का पानी लें। उसको थोड़ा सा डाल के पहले अच्छी सी गाढ़ी पेस्ट बनाएं और इसको बीट करते जाएं चम्मच की मदद से, या फिर आप इसको किसी भी बीटर से, एग बीटर से आप इसको बीट कर सकते हैं। पानी एक ही बार में मत डालिएगा, वरना इसमें गुठलियाँ बन जाएंगी और आपके बैटर जो है उसमें एयर भी नहीं आएगी। इसलिए आप थोड़ा थोड़ा पानी करके डालें और बीटर की मदद से इसको अच्छी तरह बीट करें, ताकि इसमें एयर बबल आ जाए और हमारी फिलिंग जो है ये इसकी बैटर की जो हमने रखना है इसको तैयार करने के लिए, बिल्कुल पतला होना चाहिए। बिल्कुल जैसे ये चम्मच की तरफ देखें आप, चम्मच बिल्कुल हल्का सा कोटिंग में है, बिल्कुल इसी तरह होना चाहिए। सैंडविच लेके जो हमने तैयार करके रखे थे, उनके सबसे पहले चारों तरफ के जो किनारे हैं हम इस बैटर से सील करेंगे। इस बैटर से सील करने के बाद फिर हम इस सैंडविच को इस बैटर में अच्छी तरह लपेट कर तमाम फिलिंग जो है दोनों तरफ इसको सैंडविच को लगाएंगे, ताकि हमारा बैटर जो है सैंडविच के चारों तरफ लग जाए और कोई कोना ब्रेड का खाली ना रहे। इसी तरह इसके बाद फिर हम लगाएंगे ब्रेड क्रम्स। बिल्कुल प्लेन ब्रेड क्रम्स लें और उसको अच्छे तरीके से इस सैंडविच के ऊपर जो बैटर लगा है उसके साथ हम ये ब्रेड क्रम्स लगाएंगे और हाथ की मदद से इसको हल्का सा दबाएं, ताकि ये जितने भी ब्रेड क्रम्स हैं उसके साथ चिपक जाएं, उतरेंगे नहीं। अगर आप इसको वैसे ही लगा देंगे तो हो सकता है आपके ब्रेड क्रम्स उतर जाएं। इसी तरह आपने जितने भी सैंडविच तैयार करने हैं बैटर लगाने के बाद, ब्रेड क्रम्स लगाने के बाद आप रखते जाएं। रखने के बाद जब आप थोड़ी देर इनको रख देंगे तो फिर आप इसको हम जो है नीम गरम ऑयल में या तेल में फ्राई करेंगे। आपको कितना गरम ऑयल चाहिए ये भी मैं आपको उसका टेम्परेचर बताती हूँ। इसीलिए हमने ये तमाम सैंडविच तैयार करने हैं। बार बार मैं आपको कह रही हूँ इसको सैंडविच को तैयार करके आप रख लें। अगर आप 10-15 मिनट फ्रिज में भी रख लेंगे इन सैंडविच को इस तरह तैयार करके, तो बहुत अच्छे फ्राई होंगे। अब हम लेंगे नीम गरम
ऑयल या तेल बिल्कुल बारीक बबल आने चाहिए। आप किसी भी स्टिक से या स्क्यूवर से देखेंगे तो बारीक बबल होंगे, तो इस ऑयल में आपने इस सैंडविच को फ्राई करना है। तेज़ फ्लेम नहीं होनी चाहिए और ना ही आपका ऑयल तेज़ गर्म हो। इनको जब आप सैंडविच डालें तो एक साइड से गोल्डन होने तक इसको हलाना नहीं और ना ही आपने इसकी साइड चेंज करनी है। एक तरफ से जब ये गोल्डन हो जाएगा आप देखेंगे, एक तरफ से ये बिल्कुल तैयार होगा, पक जाएगा, आपको गोल्डन किनारे इसके नज़र आएंगे, तो आप इसको पलट के दूसरी साइड को भी इसी तरह ही आप गोल्डन करें। बार बार इसको मत पलटें वरना आपकी जो ऊपर की जो फिलिंग है और ऊपर की जो कोटिंग है वो आपकी ख़राब भी हो सकती है। जब ये एक दफ़ा गर्म ऑयल में पक जाएगा फिर इसकी कोटिंग नहीं उतरेगी और आपके ब्रेड क्रम्स भी नहीं उतरेंगे। इस सैंडविच को निकाल के आप एक स्ट्रेनर में रखें, इसका एक्स्ट्रा ऑयल निकल जाएगा, ये ज़्यादा ऑयल अब्जॉर्ब भी नहीं करते। अगर आप समझ जाएंगे कि ये ज़्यादा ऑयली होंगे, ये ऑयली नहीं होते। अगर आप इसको देखेंगे तो ये बेकरी से ज़्यादा अच्छे और मज़े के सैंडविच घर में आप तैयार कर सकते हैं। और इन सैंडविच के बाद जो ये बैटर बचा था हम इसको भी ज़ाया नहीं करेंगे। इसमें मैं डालूँगी चिली फ्लेक हाफ टी स्पून डाल के इसको अच्छी तरह बीट कर लूँगी इस बैटर को। और ये जो हमने एक्स्ट्रा किनारे उतारे थे ब्रेड के, इनको भी हम ज़ाया नहीं करेंगे, इसलिए मैंने आपको कहा था इसको रखें। मैं आपको बताऊँगी इसको क्या करना है। इस किनारों को जो हमने कट किए थे ब्रेड के, इस बैटर में डिप करें और इसी तरह ही आप जैसे ब्रेड के हमने स्लाइस फ्राई किए हैं इसी तरह इनको भी फ्राई करें। एक साइड गोल्डन होने पर फिर दोबारा दूसरी साइड इसकी गोल्डन करें। ये आपका टी टाइम के लिए स्नैक बहुत मज़े का तैयार होगा। आप सैंडविच के साथ ये दूसरी टी टाइम डिश तैयार कर सकते हैं। ये बड़े मज़े के बनते हैं। आप इनको एक बार बनाएंगे, ट्राई करेंगे, खाएंगे तो बार बार बनाएंगे। और घर में जितनी भी ब्रेड हो आप ब्रेड को फ्रिज में रख दें। अगर दो दिन पुरानी भी ब्रेड होगी तो आप उसके ये सैंडविच भी बना सकते हैं और उसके टी टाइम स्नैक भी बना सकते हैं। ये बहुत मज़े के स्नैक भी बनते हैं और आपके बजट में भी भारी नहीं होंगे। आप ये देखें, ये सैंडविच की फिलिंग भी देखें और सैंडविच को भी देखें। ये बेकरी से भी ज़्यादा मज़े के और बहुत अच्छे, और आपको हाइजीन की भी नहीं प्रॉब्लम होगी कि पता नहीं कैसे बने हैं और कैसे नहीं। जब हम खुद ऐसी चीज़ें घर में तैयार करते हैं ये बिल्कुल हेल्दी चीज़ें होती हैं। अगर आपको ये सैंडविच और टी टाइम स्नैक पसंद आए, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।